हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे प्रीमियर लीग के मैच के बारे में और ये मैच खेला जाएगा अर्सेनल और एवर्टन के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल स्कोर करेगी और किन 11 प्लेयर्स को टीम में लेकर चलना है और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट दी जाएंगी। आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए अब हम इन दोनों टीम की पहले पॉइंट टेबल, उसके बाद इन दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस और दोनों टीम की रीसेंट फॉर्म पर भी नज़र डालते हैं। तो पहले पॉइंट टेबल पर, तो गाइस अर्सेनल इंग्लिश प्रीमियर लीग की टॉप बेस्ट टीम है फिलहाल के टाइम पर, यानी फर्स्ट पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें एवर्टन इस लीग की बॉटम टीम है, टॉप और बॉटम के बीच में ये मैच है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि इस मैच में अर्सेनल एक फेवरेट टीम है इस मैच को विन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम में भी है और ये टीम जब भी अपने होम में अपने से हल्की या अपने लेवल की टीम के सामने मैच खेलती है, या तो मैच को जीत लेती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं अर्सेनल की फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं गया मैच तो विन भी जरूर करेंगे, ओके। लेकिन हम बात करेंगे जब दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलते तो किस तरह का परफॉर्मेंस इन दोनों टीम की ओर से देखने को मिलता है, और यहां से भी आपको कुछ सरप्राइजिंग देखने को मिलेगा। अब हम बात करें जो पिछले छह मैच इन दोनों टीम के बीच में खेले गए, दो मैच अर्सेनल ने विन करे हैं और चार मैच एवर्टन ने विन करे हैं। तो यहां पर काफी ज्यादा सरप्राइजिंग देखने को मिला कि अर्सेनल एक बेहतर टीम है और एवर्टन इसके सामने अच्छा रिजल्ट लेकर रखी है। अब हम बात करें अटैकिंग वाइज देखा जाए तो 1.5 है अर्सेनल का, डिफेंस देखा जाए तो 1.2 है। अटैकिंग परफॉर्मेंस अर्सेनल का काफ़ी अच्छा है, लेकिन डिफेंस परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है क्योंकि ये टीम पर मैच में इस टीम के सामने कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देती है। अब हम बात करें जो पिछला मैच दोनों टीम के बीच में खेला गया, वो मैच एवर्टन 1-0 से विन कर गई, एक गोल किया लेकिन डिफेंस गोल तक कंसीड नहीं किया और अर्सेनल उस मैच को हार गई। और उससे पिछले दो मैच और खेले गए इन दोनों टीम बीच में और दोनों मैच को अर्सेनल विन किए, एक मैच 2-0 से विन किया और एक मैच 5-1 से विन किया, लेकिन ये दोनों मैच अर्सेनल ने अपने होम में खेले थे। तो होम में थोड़ा सा एडवांटेज रहता है फुटबॉल में, ये चीज़ आज भी आपको याद रहनी चाहिए, ओके। लेकिन उससे पिछले और मैच जो इन दोनों टीम के बीच में खेले गए हैं वो तीन मैचेस एवर्टन ने विन किए हैं। तीन मैचेस में अर्सेनल के एक एक गोल आया जरूर है लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड भी किए हैं। तो डिफेंस इस टीम के सामने गोल कंसीड कर देता है अर्सेनल का, लेकिन आज होम में मैच है तो क्या डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएगी वो देखने वाली बात रहेगी। तो हेड टू हेड में कहीं ना कहीं आपको एवर्टन का परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलेगा, लेकिन एवर्टन ने भी वही मैच इस टीम के सामने अधिकतर विन करे हैं जो अपने होम में खेले हैं। अब आप यहां से देख सकते हो कि जो ऊपर की ओर दिख रहे हैं वो इसका होम में है और एक मैच अर्सेनल अपने होम में हारी इसके सामने। बाकी जो टीम का मैच होम में होता है वो अधिकतर मैच को विन कर लेती है इन दोनों टीम के बीच में। दोनों टीम का करंट फॉर्म किस प्रकार है एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो दोस्त, अर्सेनल ने करंटली खेले हैं अभी तक 6 मैच, जिनमें से 2 मैच विन, 1 मैच ड्रॉ, 3 मैच लॉस। अटैक 1.2 है, डिफेंस 1.3 है। अटैकिंग परफॉर्मेंस एवरेज, डिफेंसिव परफॉर्मेंस भी एवरेज, और मैच में ये टीम कहीं ना कहीं फिलहाल के टाइम पर काफ़ी गंदा रिजल्ट दे रही है। अब हम बात करें जो पिछला मैच लिस्टर सिटी के सामने टीम 1-0 से विन कर गई, ये तो अच्छी वाली बात है क्योंकि एक गोल किया और डिफेंस गोल तक कंसीड नहीं किया। अस्टन विल्ला के सामने ये टीम 4-2 से हार गई, मतलब जीत गई, 4 गोल किए लेकिन डिफेंस से 2 गोल कंसीड किए। मैनचेस्टर सिटी के सामने 3-1 से हार गई और एक मैच ब्रेंटफोर्ड के सामने अटैकिंग ड्रॉ खेली, और उससे पिछले दो मैच एक तो एवर्टन के सामने ही और एक मैनचेस्टर सिटी के सामने दोनों मैच हारी है। तो पिछले 4 मैच में इस टीम का जो रिजल्ट है वो काफ़ी गंदा देखने को मिला है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। अब हम बात करते हैं एवर्टन का करंट फॉर्म किस प्रकार है। तो दोस्त, एवर्टन ने करंटली खेले हैं 6 मैच और इस टीम ने 2 मैच विन करे हैं, 4 मैच लॉस किए हैं। बॉटम टीम से इतना एक्सपेक्टेशन रहती है। अटैक 0.5 है, डिफेंस 1.3 है। अटैक इतना बेहतर नहीं कह सकता, बल्कि डिफेंसिव परफॉर्मेंस बॉटम टीम के अनुसार अच्छा है। अब हम बात करें जो पिछला मैच अस्टन विल्ला के सामने ये टीम 2-0 से हार गई, लीड्स यूनाइटेड के सामने जरूर 1-0 से विन किए, लिवरपूल के सामने हार गई, एक मैच अर्सेनल के सामने जीत गई, और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने लॉस किए, वेस्ट हैम यूनाइटेड और साउथहैम्पटन के सामने। उन 2 मैच में इस टीम का सिर्फ 1 गोल आया बल्कि डिफेंस गोल कंसीड किया है। तो अटैकिंग परफॉर्मेंस एवर्टन का रिसेंटली थोड़ा सा डाउन है और डिफेंस परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउन तो है लेकिन जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, टीम को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो फाइनल गाइज, अब बात आती है अब इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले पॉइंट टेबल पर नज़र डाली दोनों टीम की, पर फिर हमने हेड टू हेड मैचेस पर नज़र डाली, फिर हमने दोनों टीम की रिसेंट
फॉर्म पर भी नज़र डाली। अगर हम तीनों फॉर्मेट को कंपेयर भी कर ले एक साथ कि कौन सी टीम को मजबूत परफॉर्मेंस है, ऑब्वियसली यहाँ पर अर्सेनल इस लीग की टॉप टेबल टीम है और एवर्टन इस लीग की बॉटम टीम है। ओके, हेड टू हेड में देखा गया है कि जो टीम अपने होम में मैच खेलती है अधिकतर टीम वही मैच को विन करती है और आज है अर्सेनल के होम में। ओके, रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा गया कि अर्सेनल के जो परफॉर्मेंस है एवरेज है डिफेंस और अटैक, और एवर्टन का परफॉर्मेंस डिफेंसिव वाइज तो कह सकता हूँ सही है बल्कि अटैकिंग वाइज काफ़ी गंदा है। तो कहीं ना कहीं फिर भी आपको अर्सेनल ही इस मैच में एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी, तो इसलिए मैं इस टीम की फेवरेट टीम मान चलता हूँ। तो फाइनली गाइस अब बात आती है कि अब इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, मतलब इस मैच में कितने गोल होने चाहिए। तो मेरा मानना यह है दोस्त कि अर्सेनल एक बेहतर टीम है और कहीं ना कहीं दो गोल तो आराम से कर सकती है और शायद आज डिफेंस गोल कंसीड ना करें, क्योंकि अगर डिफेंस गोल कंसीड करेगी तो आगे भी तो इस टीम को पॉइंट चाहिए ना कि इस लीग में टॉप पर रहना इस टीम का एम हो सकता है। अगर इस टीम ने क्लीन शीट तोड़ी तो इसका मतलब एक पॉइंट गया। अगर अर्सेनल 1-0 या 2-0 से विन करते ना तब मान लो आप इसको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अर्सेनल अपने डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करेगी आज, तो कहीं ना कहीं अर्सेनल इस मैच को 2-0 से विन कर सकती है, तो मेरी ये प्रेडिक्शन है। अब इसी प्रेडिक्शन के अनुसार और इसी प्रेडिक्शन को देखते हुए किस तरह की हमारी टीम बननी चाहिए, किस तरह का कॉम्बिनेशन तैयार होना चाहिए, कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में रहना चाहिए, वो सारी जानकारी अब आपके लिए आगे चलकर कंप्लीट दी जाएगी एक एक प्लेयर्स के बारे में कि कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि अभी तक हमने टीम वाइज बात की है, अब हम बात करेंगे प्लेयर्स वाइज कि कौन कौन से प्लेयर बेहतर रहेंगे। बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज, कौन से प्लेयर ने कितना गोल कितना असिस्ट किए। पहले नज़र डालेंगे अर्सेनल के प्लेयर्स पर, फिर नज़र डालेंगे एवर्टन के प्लेयर्स पर। टाइम काफ़ी कम है, जल्दी कोशिश करूँगा वीडियो को एक बेहतर बनाने की। तो पहले अर्सेनल के प्लेयर्स पर नज़र डालते हैं। तो गाइस अर्सेनल की तरफ से बुकायो शाका इस टीम की तरफ से टॉप 5 गोल रहेगा, प्लस पेनल्टी में भी 2 गोल किए हैं, तो कैप्टन तो ऑब्वियसली यही रहेगा। गैब्रियल मार्टिनेली ये इस टीम की तरफ से आप मान सकते हो टॉप 5 गोल टर भी है, अब या सेकेंड हाइस्ट गोल टर मान सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ओके, मार्टिन ओडिगार्ड है, इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते, बेहतर प्लेयर है, बिना गोल के पॉइंट देने वाला प्लेयर है, तो ट्राई करेंगे। जेसस खेलेगा नहीं, यहाँ से नकीटा खेलेगा तो मेरी टीम में ज़रूर रहेगा, और अगर आप मुझे काफ़ी समय फॉलो कर रहे हैं तो मैं एडवर्ड नकीटा को कभी भी ड्रॉप नहीं करता, इसकी वजह से वन साइड विन करते हैं हम, और ये बेहतर करता है तब भी हम इसको अपनी टीम में रखते हैं। खाका है, डिफेंसिवर करेगा, प्लस लॉन्ग बॉल से गोल आ गए तो वो बात अलग, लेकिन गोल का चांसेस लेस रहते हैं। ये वो प्लेयर से जो बिना गोल के 25-30 पॉइंट देता है। ओके, विलियम शालिबा आपकी टीम में रहना चाहिए। गैब्रियल डोस सैंटोस ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, थॉमस पार्टी खेलेगा तो भी नहीं लेंगे, और यहाँ से जिनचेंको खेलेगा मुश्किल। ओके, यहाँ से ट्रॉस्ट खेलने का चांस कम, वीरा खेलेगा तो लाइनअप के हिसाब से देखा जाएगा। तो अभी के लिए जो टॉप प्लेयर है मैं एक बार फिर से टिक कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय काफ़ी कम है, लाइनअप आने वाली ही है, तो यहाँ पर जो बेस्ट प्लेयर हैं उन्हीं को मैंने अभी के लिए ट्राई किया है। अब हम बात करते हैं असिस्ट वाले कौन से प्लेयर है, तो चलिए असिस्ट वाले प्लेयर्स पर नज़र डालते हैं, क्योंकि एक असिस्ट का 20 पॉइंट मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं वो भी, तो देखते हैं। असिस्ट में देखा जाए साका सब जगह है, मार्टिन ओडिगार्ड 6 असिस्ट, जेसस खेलेगा नहीं, खाका 5 असिस्ट, मार्टिन 2 असिस्ट, वीरा, वाइट, सलीबा, चिनचेंको, ट्रॉस्ट, टोमियासो, इन सभी का 1 असिस्ट है, तो यहाँ पर वही प्लेयर्स आपको बार बार देखने मिलेंगे, और इन्हीं प्लेयर्स को आज के मैच में लेकर चलना, क्योंकि वही प्लेयर्स हैं जो कंटिन्यू इस टीम के लिए हर मैच में गोल करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स हैं, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं एवर्टन के प्लेयर्स पर भी। एवर्टन की तरफ से टॉप 5 गोल्डर फिलहाल टाइम पर ग्रह, जिसने 3 गोल किए, पिछले सीजन काफ़ी अच्छा स्कोर किया था इसने और काफ़ी हमें मैच विन भी कराए थे। एंथोनी गॉर्डन इस टीम की तरफ से 3 गोल कर चुका, पॉइंट दे जाता है। मैकनेल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है क्योंकि ये भी पॉइंट दे जाता है। नील मोपे ये बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ पर इसका खास परफॉर्मेंस नहीं आया इस सीजन में। कोलेमान है जिसने इस टीम के लिए 1 गोल किया है, बाकी का आप सब रिकॉर्ड आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। देखो जो इस टीम की तरफ से टॉप प्लेयर वो टॉप पर ये हैं, लेकिन ये वो प्लेयर्स थे जो सीजन पिछले में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, टीम भी काफ़ी अच्छा खेली थी, इस सीज़न में परफॉर्मेंस नहीं आया तो डाउन पड़ी टीम, यहाँ तक कि रेलिगेशन होने का चांसेस भी ज़्यादा हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं वो कौन से प्लेयर इस टीम तरह जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। असिस्ट में देखा जाए तो अलेक्स ओबी 6 असिस्ट, मैकनील 2 असिस्ट, ग्रे 1 असिस्ट, ओनाना 1 असिस्ट, कोडी गोई, और यहाँ पिकफोर्ड जो कि इस टीम का गोल कीपर है, इसका भी 1 असिस्ट आया हुआ है। ओके, तो यहाँ से ये प्लेयर तो क्लियर हैं कि आप इनको अपनी टीम में लेकर चलेंगे, क्योंकि यही चांस रखेंगे अगर अर्सेनल की तरफ से अर्सेनल खिलाफ़ ये गोल करते हैं तो,
इनका गोल आने का चांस रहेगा, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो बिना गोल के भी पॉइंट दे जाते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स को हमें टीम में जगह देनी चाहिए। तो इस मैच का प्रेडिक्शन जो रखा हमने 2-0 रखा है, वैसे तो 2-0 के हिसाब से तीन प्लेयर्स को नहीं पिक करना चाहिए, लेकिन फिर भी सेफ खेलेंगे और कोशिश करेंगे अच्छे विन करें। ओके, तो इसी प्रेडिक्शन के अनुसार किस तरह की हमारी टीम का कॉम्बिनेशन तैयार होता है, तो चलिए टीम पर नज़र डालते हैं। समय की बर्बादी ना करते हुए मैंने आपको सीधे का टीम का प्रीव्यू दिखाया, जिसमें कैप्टनशिप देखी जाए तो कैप्टन तो ऑब्वियसली सेफ रहेगा प्लस बेहतर रहेगा साका। वाइस कैप्टनशिप आप सोच सकते हो गैब्रियल मार्टिनेली ले सकते हो, नकीटे ले सकते हो, या अपनी टीम में एक बेस्ट ऑप्शन ओडिगार्ड वाइस कैप्टन रख सकते हो। तो ये मेरी जो चॉइसेस है वो मैंने आपको सजेस्ट की हैं। तो मैंने जो अभी के लिए बनाए कैप्टन वाइस कैप्टन वही दो हैं, तो इन्हीं को दो को लेकर चला हूँ। अगर लाइनअप के हिसाब से कुछ चेंजेस होगा तो ज़रूर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको इस मैच की फाइनल टीम भी सेंड कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टॉप के कॉमेंट में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्त, जो यहाँ पर मैंने एवर्टन की तरफ से ये प्लेयर्स पिक करे हैं, तो इनका चांसेस हैं गोल आने के। अगर गोल नहीं भी आएंगे तो कोशिश इनकी यही रहेगी कि ये पॉइंट भी अच्छे दे जाएं, क्योंकि इतना तो है मुझे पता कि ये 10-15 पॉइंट तो आराम से हर मैच में दे जाता है। मैकनील भी 20 प्लस पॉइंट दे जाता है, आईओबी भी ऐसे ही बेहतर प्लेयर है जो 15-20 पॉइंट दे जाता है। अगर 25-30 पॉइंट वाले प्लेयर चाहिए तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उन 3-4 प्लेयर्स को भी सेंड कर दूंगा, क्योंकि आप ग्रैंड लीग खेलोगे तब वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में काम आएंगे। ओके, तो होपफुली जो आपको इस वीडियो में समझाया गया है वो इजीली और कॉन्फिडेंस साथ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।